हेलो अच्छा पार्टी, इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 24 ऑफ चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 25। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 25 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स। अब बच्चों नोट करिए कि यहाँ पे ये जो सर्कुलर कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए है, तो मैं एक काम करता हूँ, गिवन डेटा हम नोट करते जाते हैं। एन इज इक्वल टू 20 एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, राइट है। यानी ये जो सर्कुलर कॉइल है बच्चों उसकी रेडियस आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे नोट कर सकते 0.1 मीटर, करेक्ट। ओके, इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। अब नोट करिए बच्चों, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड भी दिया गया है, वो है 0.1 टेस्ला एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। अब देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक कॉइल लेता हूं, तो सपोज ये कॉइल हो गई, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर टू कॉइल होगा, इस तरफ होगा, राइट। चलिए, इफ द करंट इन द कॉइल इज 5 एम्पियर, देखिए यहाँ पे बच्चों ने करंट भी दिया है, करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, व्हाट इज द ए पॉइंट है टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल। हम बारी बारी से बात करेंगे। पहला पॉइंट बच्चों में दिया गया है ए टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल, ठीक है, तो यहां पे नोट कर देते हैं टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल, ठीक है। अब देखिए बच्चों टॉर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है एन आई ए क्रॉस बी, राइट है, एन आई ए क्रॉस बी। अब क्रॉस बच्चों यहां से हटाएंगे तो यहां पे फॉर्मूला आ जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा, और ये जो थीटा है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा। तो यहां पे बच्चों अगर मैं इस कॉइल के प्लेन की बात करूं बच्चों, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन यानी कि इसी तरफ होगा। तो आप यहाँ पे ड्रॉइंग में देख सकते हो कि आपका जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा बच्चों जीरो। तो यहां पे हम लग सकते हैं साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो यहां पे बच्चा पार्टी हमें मिलेगा टॉर्क 0 न्यूटन इनटू मीटर, ठीक है। तो यहां पे इस कॉइल पे लगने वाला टॉर्क हो गया है जीरो। सेकंड पॉइंट था टोटल फोर्स ऑन द कॉइल, यानी कि इस फोर्स पे लगने वाला सॉरी इस कॉइल पे लगने वाला फोर्स, तो हम यहां पे बात करेंगे टोटल फोर्स ऑन द कॉइल, राइट है बच्चों। चलिए अच्छे से ध्यान देना, हम टोटल फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां पे हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, करेक्ट है। चलिए तो आप यहां पे लगा सकते हो आई इंटीग्रेशन ऑफ एल, लेंगे ना टोटल लेंथ लेनी पड़ेगी आपको, तो यहां पे आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए बच्चों अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि यहां पे ये जो लूप है वो एक सर्कल बनाती है, ठीक है। तो इस सर्कल में अगर आप यहां से लेके वापस यहां तक घूम के आते हो, तो आपकी जो टोटल लेंथ ऑफ ट्रैवलिंग होगी वो हो जाएगी जीरो, ठीक है। यहां पे आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों जीरो, और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा बच्चों, तो यहां पे आपका जो फोर्स है वो भी आपको मिलेगा जीरो, राइट है। तो एफ इज इक्वल टू 0 न्यूटन। अगर आपको इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझना हो, तो मैं बच्चों आपको बता दूं कि मान लीजिए कि अगर इस एक पार्टिकल पे सारे पार्टिकल्स फोर्स लगाएंगे, तो उसके सामने डिरेक्शन पे रहा हुआ जो पार्टिकल है वो भी फोर्स लगेगा, तो वो जो दोनों फोर्स होते हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे और एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, राइट है। तो यहां पे जो टोटल फोर्स है बच्चों वो हो जाएगा जीरो, राइट। चलिए अब देखिए सी पॉइंट भी कहा गया था, सी पॉइंट था एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें यहां पे बात करनी है फोर्स पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स की बात करेंगे। और यहां पे हमें कहा गया है कि द कॉइल इज मेड ऑफ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉपर इज गिवन टू बी अबाउट 10⁻²⁹,
ओके okay. अब देखिए बच्चों हम क्या करने वाले हैं, यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे फोर्स पर इलेक्ट्रॉन. ओके okay, अच्छे से ध्यान देना, फोर्स पर इलेक्ट्रॉन राइट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें क्या दिया गया है बच्चों, देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी गई है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर मैं स्मॉल एन से इंडिकेट करता हूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम. अब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एरिया इनटू लेंथ राइट. तो यहां पे मुझे मिल जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू स्मॉल एन ए इनटू डीएल. मुझे मिल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब मैं बात करूंगा फोर्स की, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मान जाएगा फोर्स, यस ऐसा जाएगा ना, फोर्स पर इलेक्ट्रॉन, तो एफ बाय एन. चलिए एफ का फॉर्मूला क्या होता है, आई डी एल इंटू बी डिवाइड बाय एन ए इंटू डी एल. तो क्या हुआ, डीएल डीएल कैंसल हो गया बच्चों, तो यहां पे बचेगा आई बी बाय एन. कंप्लीट, समझ में आ रहा है बच्चों, सॉरी आई बी बाय एन ए, हम मिस कर देते एक, बच गए. चलिए आई की वैल्यू, यस हमें यहां पे क्वेश्चन में दी गई थी, करेक्ट है, हम लिखना भूल गए या हमने यहां पे लिखा हुआ है. चलिए ये थी 5 एम्पियर. 5 बी यानी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों में दिया था 0.1 डिवाइड बाय एन यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों देखिए हमें दी गई है 10^29 और एरिया, एरिया भी बच्चों में दिया है 10^-5 राइट है. चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, इसको आप फटाफट से क्या करो भाई, कैलकुलेट कर दो, बट इसका कैलकुलेशन काफी इजी है तो मैं ही कर देता हूं, बट स्पेस थोड़ी सी कम है तो अब यहां पे लिखेंगे F इज इक्वल टू 5 इंटू, देखिए 10.1 यानी 10^-1, 29 ऊपर गया तो -30 -5 ऊपर गया तो +5 -30 +5 बच्चों आंसर आएगा 10^-25 न्यूटन राइट. तो ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर, फोर्स पर इलेक्ट्रॉन होगा 5 × 10^-25 राइट है. आई होप बच्चे पार्टी ये जो क्वेश्चन था काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था और फॉर्मूला बेस्ड था, तो आपको अच्छा लगा होगा और मजा भी आया होगा. इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 26 के साथ. थैंक यू.